गुड इवनिंग एवरीवन मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का कर स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शेक्सपियर्स बायोग्राफी और ये हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है जैसा कि आप लोग को मैं ई की तैयारी करवा रही हूँ और अभी ईएमआरएस एम के फॉर्म्स जो हैं वो दोबारा से जो है वो ओपन हुए हैं और जो लोग भरने से रह गए थे वो भर सकते हैं Uh, तो उसमें शेक्सपियर्स वर्क्स है तो मैंने सोचा कुछ दिन मैं आपको शेक्सपियर के वर्क्स जो है वो करवाऊँ तो उससे पहले शेक्सपियर जी की बायोग्राफी करवानी बहुत ज़रूरी है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में शेक्सपियर जी की बायोग्राफी जो है वो हम करेंगे और ये है एक बुक है हमारी द पाथ टू विक्ट्री जो आप लोगों को शेक्सपियर के वर्क और बिल्टन गॉल्सवर्दी और वर्ड्सवर्थ ये सब जो है उसमें पढ़ने में हेल्पफुल रहेगी इसके अलावा इसमें ग्रामर भी है लिट्रे टर्म्स भी हैं और इसमें प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं ये बुक अभी मिल रही है हमारे ऐप पर आपको इसके लिए ऐप को डाउनलोड करना होगा नकली नामों से ओ ओ करके सी 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 करके ना डाउनलोड करें ऐप ठीक है तो वो अजीब सा लगता है कि जब जो है ऑर्डर्स जो है भाई ओबली हम भी देखते ही अपने ऐप में कौन डाउनलोड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है तो बड़ा अजीब लगता है कि जब लोग इस तरीके के नामों से जो है वो एक ऐप को डाउनलोड करते हैं क्योंकि अभी तक के बारे में हमारे बारे में लोगों को पता ही गया होगा कि हम बिना बात के किसी को भी फ़ोन नहीं करते इवन हम फ़ोन करते ही नहीं हैं जिसको ज़रूरत होती है या जो जो वाकई में जो कुछ जिसको कोई काम होता है वो तब हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है लेकिन हम आपकी प्राइवेसी को बिल्कुल भी जो है वो भंग करने में यकीन नहीं रखते कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया तो हम आपको जो है फ़ोन कर कर के परेशान कर देंगे ऐसा इंग्लिश सूत्रा के साथ बिल्कुल भी नहीं है परिवार है आपका इंग्लिश है तो इतना विश्वास रखिए कि जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो एक जैसे परिवार के मेंबर्स को दी जाती है उसी तरीके से है परिवार समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि तो एक कनेक्शन जो है वो बनेगा तो ये है द पाथ टू विक्ट्री इसके अलावा ये जो है हमारा ऑनलाइन बैच है टी का और ये हमारा एक लाइव प्रैक्टिस बैच चल रहा है टी का और ये हमारे जो है ये वीडियो बैचेस है सारा कुछ आपको ऐप पर जो है वो पता चल जाएगा वीडियो बैचेस है टी जी टी पी जी टी डी ट्रिपल एस बी और डी ट्रिपल एस बी वाला जो है ई एम आर एस के लिए भी हेल्पफुल है और इसके अलावा आपका जो है ग्रामर वग़ैरह का भी बैच इसमें अवेलेबल है सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से और प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके आप लोग उस पर स्टोर में जाके सारी जानकारी जो है वो ले सकते हैं आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ वो है दैट इज़ शेक्सपियर्स बायोग्रफ़ी और ये जो बायोग्राफी है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा जो है वो वैसे तो सभी लोगों को शेक्सपियर जी के बारे में ना पता हो ऐसा हो नहीं सकता मगर फिर भी मैंने सोचा कि कुछ मैं अपने तरीके से बताऊंगी सबसे पहली बात विलियम शेक्सपियर जी के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ इज नॉट अ टू अस इसका मतलब ये नहीं है कि बचपन में बहुत गरीब थे अमीर हो गए ही माइट ऑफन बी डिस्क्राइब एज बिलोंगिंग टू द अर्ली मिडल क्लास वो एक मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करते थे मिडलिंग सॉट बॉड मतलब एक मध्यम वर्गीय अच्छा बचपन बहुत अच्छा बीता उनका हिज फादर जॉन हिज़ फादर जॉन वॉज अ ग्लव मेकर वो एक ग्लव मेकर थे एंड अ रिस्पेक्टेड मेम्बर ऑफ द लोकल कम्युनिटी इन अ स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉल उनके फादर एक ग्लव मेकर थे और वो जो रहते थे वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवान में रहते थे दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवान एक शहर का नाम है द कोंट मार्केट टाउन ये देखिए मार्केट टाउन था एक स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवान जो एक मार्केट टाउन था इंग्लैंड के मिडल में जहाँ पर उनका परिवार जो है वो रहता था 1568 में चार मतलब 1564 में शेक्सपियर जी का जन्म हुआ चार साल बाद शेक्सपियर के जन्म के बाद जॉन वाज अपॉइंटेड हाई बेलिफ जॉन जो विलियम uh, शेक्सपियर के फादर थे वो उनको बेलिफ की पोजीशन मिली जो आज के समय में आप मान लीजिए मेयर की पोजीशन होती है यानी कि 1568 में 1596 ही हैड बीन ग्रांटेड अ कोर्ट ऑफ आर्म्स विद द मोटो नॉन सांस ड्राइड और नॉट विदाउट राइट कमेंटिंग हिज प्लेस इन इंग्लिश आपको पता है कि जॉन शेक्सपियर जी को कोर्ट ऑफ आर्म्स मिला था कोर्ट ऑफ आर्म का क्या मतलब होता है एक जो uh, <coughs> एक मोट एक इस पर बेसिकली एक ये साइन होता है और ये जस्ट जो उस पर किसी सेना के और उस पर जो है वो बना हुआ होता है बेसिकली ये नाइट्स के जो है उनके आव, शील्ड्स पे और उस पर बना हुआ होता है तो नाइट्स की शील्ड्स पे बना हुआ एक साइन होता है तो ये कोर्ट ऑफ आर्म्स मिलने का मतलब होता है कि एक उप उपाधि मिलना तो लेकिन उसमें एक मोटो लिखा हुआ था नॉट विदाउट राइट नॉट विदाउट राइट उस पर लिखा हुआ था और इंग्लिश सोसाइटी में उनकी क्या पोजीशन थी कि उन्हें कोर्ट ऑफ आर्म्स मिला था कोर्ट ऑफ आर्म्स कब मिला था 1596 में ये नाइट्स को उनको मिलता है तो उनको भी ये उपाधि जो है वो दी गई थी कोर्ट ऑफ आर्म्स जो है वो उन्हें मिला था शेक्सपियर की जो मदर थी मैरी आर्डन वो विमकोट नाम के विलेज से थी थ्री फोबाइज जो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन से तीन चार मील की दूरी पे था उनके फादर शेक्सपियर के जो ग्रैंड फादर यानी कि नाना जी जो थे वो द मेम्बर ऑफ द प्रेस्टिजियस गिल्ड ऑफ द होली क्रॉस उनके नाना जो हैं वो एक प्रेस्टिजियस गिल्ड ऑफ द होली क्रॉस के मेम्बर थे दैट वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन द वाइडर कम्युनिटी जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल माना जाता है तो अब आप ये देख सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो हैं वो एक अच्छी फैमिली यानी बिलोंग करते थे वी he डेट शेक्सपियर on 26th ऑन 1564. अब ये तो नहीं पता कि शेक्सपियर जी का जन्म कब हुआ लेकिन उनका जो बेपटाइजेशन जो चर्च के रिकॉर्ड्स में मिलता है वो 26th ऑफ अप्रैल को हुआ था 1564 में अब सेंट जॉर्ज डे तेईस अप्रैल को मनाया जाता है कौन से दिन? जैसे शेक्सपियर कौन से दिन पैदा हुए तेईस अप्रैल सेंट जॉर्ज डे के नाम से मनाया जाता है और भाई ये भी अपने आप में एक अनूठा कोइंसिडेंस है कि उनकी मृत्यु भी तेईस अप्रैल को ही हुई वी हैव traditionally सेलिब्रेटेड his बर्थडे ऑन ट्वेंटी थर्ड तेईस अप्रैल को हम उनका जन्मदिन मनाते हैं हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं है लेकिन चूंकि छब्बीस तारीख को उन्हें बेपटाइज किया गया था तो ये मानते हैं कि उनको जो है तेईस को उनका जन्म हुआ होगा देर ऑल्सो नो एविडेंस दैट शेक्सपियर्स पेरेंट्स कुड राइट आपको पता है ये कहीं उस समय पे जो लिखना इतना जो है वो कॉमन नहीं था तो कहीं कोई जो है एविडेंस नहीं है कि शेक्सपियर के पेरेंट्स पढ़ लिख सकते थे दोनों ने अपने मतलब पढ़ लिख नहीं लिख सकते थे उन्होंने अपने नाम को एक एक्स करके जो साइन करा हुआ है स्टीफन ग्रीन बेल ब्लैट जॉन प्रोबेबली डिड नो हाउ टू रीड यानी कि शेक्सपियर के फादर को ये पता था पढ़ा कैसे जाता है एज एन इम्पोर्टेंट जेंटलमैन क्योंकि ही वॉज़ अ बेलिव तो उनको पढ़ना तो आता था मगर लिखना उनको नहीं आता था डस्पाइट नॉट बींग एबल टू राइट इट्स लाइकली हाईली लाइकली दैट शेक्सपियर पेरेंट्स एनकरेज दिस फ्ले ऑफ ऑफ वर्ड्स एंड सेंट हिम टू द लोकल ग्रामर स्कूल फ्रॉम द एज ऑफ सेवन सात साल की उम्र में शेक्सपियर जी को पढ़ने के लिए ग्रामर स्कूल में भेजा गया था he did not, if he didn't attend school he likely at learned gram, Latin, the language of the. अगर वो स्कूल नहीं जाते तो वो latin सीखते latin क्योंकि अपर क्लास की भाषा मानी जाती थी शेक्सपियर जी के स्कूल में केवल 42 स्टूडेंट्स थे और स्कूल सुबह छः बजे से शुरू होकर शाम को साढ़े पाँच बजे तक चलता था हाय भगवान बहुत लंबा टाइम था भाई तो जो है अब शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर के बारे में बात करते हैं द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ शेक्सपियर्स बायोग्राफी लाइज इन हाउ ही बिकेम अ प्ले राइट सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि शेक्सपियर जी प्ले बने कैसे द नेक्स्ट रिकॉर्ड वी हैव ऑफ शेक्सपियर इज इन फिफ्टीन एटी टू एन एट द एज ऑफ एटीन ही मैरिड एन हेथवे ट्वेंटी सिक्स भाई शेक्सपियर जी की शादी कहते हैं एक फोर्स्ट मैरिज थी 18 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे काफ़ी बड़ी जो है 26 साल की एन हैथवे से हुई थी मैरिज जो है वो हेस्ट जल्दी में करी गई थी क्योंकि एन जो है उस समय अपने फर्स्ट चाइल्ड सुजैन जो है उसे uh, उस, वो ही वॉज प्रेग्नेट विद फर्स्ट चाइल्ड और शेक्सपियर जो है वो माइनर थे टेक्निकली एक माइनर थे तो उनको वॉर जाना पड़ा था जिससे वो अपनी शादी का लाइसेंस जो है वो ले लें येट थ्रू आउट इज वाइफ्स प्रेग्नेंसी शेक्सपियर वुड हैिजी वर्किंग इन लंडन पूरे अपनी वाइफ़ की प्रेगनेंसीज़ के दौरान शेक्सपियर लंदन में बिजी थे आ, वो प्लेराइट बनने की जद्दोजहद कर रहे थे कैसे क्या कर रहे थे ये तो कहीं नहीं बताया गया है वी कैन ओनली स्पेकुलेट एज़ टू वॉट इम्पैक्ट इट हैड और इट्स रिलेशनशिप अब ये भी नहीं पता कि उनका उनकी पत्नी के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप था एक्चुअली शेक्सपियर की, की लाइफ की सबसे बड़ी बात यह है कि द मोर यू वॉन्ट टू नो अबाउट जितना हम जानना चाहते हैं उतना ही कम हमें उनके बारे में पता चलता है बहुत कम शेक्सपियर के बारे में पता है ये तो सिर्फ कयास लगाए जाते हैं इट्स रीजनेबल टू सजेस्ट दैट शेक्सपियर फर्स्ट वर्कड एज एन एक्टर इन अ ट्रूप बिफोर टर्निंग हिज एप ऐसा लगता है कि पहले शेक्सपियर ने बहुत सारे काम करे छोटे मोटे काम तो पहले उन्होंने अपना हाथ जो है एक्टिंग में आजमाया फिर उसके बाद लिखना शुरू करा एज यू वुड हैव नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ हाउ अ प्ले अप्ले पुट टूगैदर एंड वर्क हिज वे अप पहले उन्होंने सीखा प्ले कैसे लिखा जाता है तब उसके बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू करा जो उनके बायोग्राफर हैं जॉन ऑबरे राइटिंग इन 1681 एटी वन सजेस्टेड दैट शेक्सपियर हैज़ बीन अ स्कूल मास्टर इन द कंट्री जॉन ऑबरे ने सिक्सटीन एटी वन में कहा है कि शेक्सपियर जो हैं वो स्कूल मास्टर भी रहे हैं मगर ये आ, ये कहीं से नहीं पता कि उन्होंने अपनी ये इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाली सेवल थिएटर ट्रूप्स विजिटेड स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन इन द लेट फिफ्टीन एटीज सो ही हैव डिसाइडेड टू जॉइन। हो सकता है कि भाई इतने सारे ट्रूप्स जो हैं वो जाते थे तो उनसे अट्रैक्ट होकर उनका मन किया कि वो भी जो है इसी में काम करें नॉलेट्स टेक द शेक सीन विलियम शेक्सपियर को जो एक पहचान मिली द फर्स्ट सर्वाइविंग रेफरेंस द फर्स्ट सर्वाइविंग रेफरेंस वी हैव ऑफ शेक्सपियर इन लंडन द फर्स्ट सर्वाइविंग रेफरेंस वी हैव ऑफ शेक्सपियर इन लंडन Is a scathing de uh, deathbed critique by fellow playwright Robert Greene in 1592. पब्लिश आफ्टर हिज डेथ इन ग्रीन ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट ही रॉट ऑफ एथ मतलब शेक्सपियर के बारे में जो एक जो एक रेफरेंस मिलती है बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा तो वो हमें मिलता है एक फेलो प्ले राइट थे रॉबर्ट ग्रीन उनकी मृत्यु के बाद इसे पब्लिश किया गया था और उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट ग्रोट जानते हैं किसे कहते हैं ग्रोट कहते हैं मोटे अनाज को कि उन शेक्सपियर के जो विट की वैल्यू है वो मोटे अनाज जितनी है Upstart crow beautified with our feathers, that his tiger's heart wrapped in players hide. Suppose he is as well to bombast a blank verse as the best of you, and being an absolute Johannes factotum. ही निज़ ओन कंसीड द ओनली शेक सीन इन अ कंट्री ये उन्होंने बड़ा मतलब जैसे कहना चाहिए ना बहुत ही जो है वो एक भड़ास निकालते हुए लिखा था कि अभी अभी किसी ने स्टार्ट करा है लिखना और हमारे यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स के फैदस से खुद को ब्यूटिफाई कर रहा है लग रहा है कि वो जो है भेड़ की खाल में भेड़िया है और जो है वो मार्लो की ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ करके बॉम्बास्ट करेगा और वो एक फैक्टोटम जो हैज फैक्टोटम है इट मींस कि वो जो है जैक ऑफ मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन है और वो जो है ए ओनली शेक सीन इन हिज कंट्री तो ये जो पार्ट है ये आप लोग देख भी सकते हैं दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वॉज बी आस्ड इन इन द टू क्वेश्चन पेपर कि हु कॉल्ड शेक्सपियर जो हैज फैक्टोटम तो so ये रॉबर्ट ग्रीन का जो कथन है ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट में द लाइन्स अप स्टार्ट क्रो एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आर पर्टिकुलरली रिवीलिंग थोड़ा सा कट रहा है हमारा द लाइन्स अप स्टार्ट क्रो एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आर पर्टिकुलरली रिवीलिंग एज सजेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ स्नोबरी ग्रीन हु हार्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव टू शेक्सपियर भाई ऐसा है ये थोड़ा सा जो है एक स्नोबरी दिखाता है क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन जो है वो एक यूनिवर्सिटी विट थे और वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकते थे कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके बराबर जो है वो आने की कोशिश कर रहा है हु ऑलमोस्ट सर्टेनली डिड अटेंड यूनिवर्सिटी एक वो व्यक्ति जो कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा ही नहीं और वो उनसे भी बेहतर जो है वो लिख रहा है कहीं ये जेल जलने की बुआ रही है राइटिंग अबाउट द ग्रेट जायंट्स अबाउट ऑफ हिस्ट्री और लिख भी किसके बारे में रहा है ग्रेट जायंट्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में लिख रहा है

सोचने वाली बात है लोग भी आपके बारे में तभी बात करते हैं जब आप कुछ होते हैं अगर आप कुछ हैं ही नहीं तो लोग आपके बारे में बात क्यों करेंगे लेकिन इस चीज़ से रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को बहुत बढ़िया वो एक वो दे दिया था और लोग देखने जाने लगे थे कि देखे तो सही है कौन वो तो कहते ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा और बाकी तो शेक्सपियर जी की अपनी टैलेंट था कि आज हम रॉबर्ट ग्रीन को उनकी वजह से याद कर रहे हैं तो ये जो है कहीं ना कहीं भाई पीपल टॉक अबाउट यू वेन यू आर समथिंग तो ये जो चीज़ है कि वो है ना गुरु पिक्चर का डायलॉग कि जब लोग पीठ पीछे आपके पीछे बोलने लगे तो आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू हो गए हैं तो वो पीठ पीछे बोलने वाले लोग होने जरूर चाहिए और ये ऐसे ही इनके पीठ पीछे बोलने वाले व्यक्ति थे एंड नाउ शेक्सपियर एंड एलिजेथ वी डोंट नो फॉर सर्ट द ऑर्डर इन विच शेक्सपियर प्लेज वर रिटर्न एंड परफॉर्म मच ऑफ द वर्क दैट हैज़ गॉन इन टू कंपाइलिंग टाइमलाइन डिराइव्स फ्रॉम रेफरेंस इन द प्लेस दैम सेल्व एंड इन्फॉर्मेशन इन फ्रॉम कंटेम्प्रेरीज दैट सर्वाइज कमेंटिंग अपॉन द लंडन थिएटर सीन शेक्सपियर के हमें ऑर्डर नहीं पता उनके प्लेस का सबसे पहले फ्रांसिस मेरेस के पेलेडिस्टेमिया में शेक्सपियर के वर्क्स का रेफरेंस जो है हमें पता चलता है हाउ एव वी कैन सी दैट शेक्सपियर्स अर्लिएस्ट वर्क फोकस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ग्रेट किंग्स एंड क्वीन्स एंड अदर फिगर्स इन हिस्ट्री हालांकि हम फिर भी मानते हैं शेक्सपियर ने पहले हिस्ट्रीज़ लिखी होंगी क्योंकि इंग्लैंड के ग्रेट किंग्स एंड क्वीन के बारे में उन्होंने लिखा है हैंनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट से पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड रिचर्ड सेकेंड एंड जूलियस सीजर किंग जॉन ये सारे के सारे गोल्डन पीरियड यानी कि जो एलिजाबन एरा जिसे गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है तब लिखी होंगी गई हैं एंड और गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कब तब कहा जाता है जब क्वीन uh, एलिजाबेथ ने स्पेनिश डिफ़ीट ऑफ स्पेनिश अरबडा यानी कि 1588 का वो ए, ए, जो पीरियड है वो गोल्डन एरा कहलाता है क्योंकि उस समय क्वीन एलिजाबेथ ने अपने से कहीं पावरफुल स्पेनिश अरबडा को डिफीट किया था एंड शी हैड प्रूव्ड हर सेल्फ टू बी अ वमन ऑफ मेटल और जो है uh, उसके बाद बहुत शांति और एक एक, पेट्रटिज़्म जो है वो देश में देखने को मिला था तो उसको जो है वो पीरियड एक गोल्डन पीरियड कहलाता है इंग्लिश लिटरेचर का और उसी दौरान शेक्सपियर ने अपने हिस्टोरिकल प्लेस जो हैं वो लिखे हैं शेक्सपियर्स अर्ली प्लेस रिफ्लेक्टेड द जुबिलेंट एंड पेट्रियाटिक मूड ऑफ द एज अभी मैंने आपसे कहा कि जब ये डिफ़ीट ऑफ स्पेनिश शर्मडा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पेट्रटिज़म की फीलिंग्स थी तो लोग शेक्सपियर uh, के प्लेज वही पैट्रियोटिक मूड दिखाते हैं एज ही ग्रू मोर कॉन्फिडेंट ही ड्रिफ्टेड अवे हिस्ट्रीज़ के बाद शेक्सपियर ने जो है वो और प्लेज जो लिखे हैं रोमियो एंड जूलियट मर्चेंट ऑफ वेनिस माचाडो अबाउट नथिंग ये फिर उसके बाद उनकी कॉमेडीज़ हैं लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सीक्वेंशली लिखी हैं A नोटेबल एक्सेप्शन टू द patriotic मूड ऑफ शेक्सपियर्स earliest plays इज अलीज involvement इन द सो कॉल्ड एसेक्स Rebellion ऑफ 1601, एक शेक्सपियर के उसमें एक पेट्रियाटिक मूड में एक ग्लिच है दैट इज ऑफ़ रिबेलियन जो हुआ था सिक्सटीन हंड्रेड वन में दिस ये तब हुआ था जब एलिजाब के बहुत ही ट्रस्टेड एडवाइजर थे रॉबर्ट ड्यूरक्स सेकेंड अर्ल ऑफ एसेक्स और उन्होंने जो है वो के खिलाफ एक एक रिवोल्ट करने की कोशिश की थी जब रिवोल्ट होने वाला था एसेक्स ने शेक्सपियर से कहा था कि यानी कि शेक्सपियर का जो ट्रूप था लॉर्ड चेम्पोल मैन से कहा था कि हम चाहते हैं तुम रिचर्ड सेकेंड दिखाओ ये एक कंट्रोवर्शियल विवादास्पद मूव था क्यों क्योंकि प्ले जो है वो क्या रिचर्ड सेकंड किस चीज पे है डी थ्रोनिंग एंड इवेंचुअल डेथ ऑफ अ रियल अनोन्टेड क्योंकि वो था रिचर्ड सेकेंड में रिचर्ड सेकंड एबडिकेटेड हिज थ्रोन तो ये था रिचर्ड सेकेंड का भाई थ्रोन को जो है डी थ्रोन करना जो मुनाक था उसको डी थ्रोन करना और उसके बाद उसकी मृत्यु तो ये जो चीज थी ये एक कंट्रोवर्शियल मूव था यानी कि अर्ल ऑफ एसेक्स ने 1601 में जिस समय रिबेलियन हुआ था तो उन्होंने लॉर्ड चेम्बर मैन से जो है कहा था कि भाई हम चाहते हैं तुम तो रिचर्ड सेकंड दिखाओ एक तरीके से ये एक एक कंट्रोवर्शियल मूव था एक हिडन जो है वो एक एक, एक एक इशारा देने की कोशिश की जा रही थी कि जो है थ्रो, मुनार को डिथ्रोन करने की बट देर इज अ डिस्प्यूट अबाउट लेकिन फिर एक लड़ाई हो गई कि कौन सा प्ले जो है परफॉर्म किया जाए कि रिचर्ड सेकेंड किया जाए तो आ, लेकिन कंपनी डिट गो विद रिचर्ड सेकेंड और इंस्टेड ऑप्टेड फॉर वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑल टुगेदर मोर हैं फोर्थ या हेनरी फोर्थ दिखाया जाए अबाउट रिचर्ड सक्सेसर जो रिचर्ड के सक्सेसर थे दर इज ऑल्सो सजेशन दैट द फेमस सीन्स फोर ट्रिंग रिचर्ड बींग आस्ट टू गिव अप द क्राउन बाय बॉलिंग ब्रोक विच मैनी हिस्टोरियंस बिलीव व सेंसर्ड ड्यूरिंग द एलिजाबेथ अच्छा एक ये भी एक सजेशन आया था कि जो फेमस सीन था जिसमें रिचर्ड से कहा गया था कि भाई क्राउन जो है वो हैनरी बॉलिंग ब्रोक जो बाद में जाकर हैंनरी फोर्थ हुए थे उनको दे दिया जाए तो ये कह बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि एलिजाबेथ के पीरियड में इस पार्ट को हटा दिया गया था और वो बाद में व री इंस्टेटेड ड्यूरिंग दिस लेकिन व री सेंसर वी इंस्टेटेड एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के दौरान इसको रखा गया था

तो मतलब शेक्सपियर की जो सिंपथीज़ थी वो रिबेलियन लीडर्स के साथ थे मतलब बीच बीच में शेक्सपियर जी ऐसा काम करते ही रहते थे मकबत उन्होंने तब लिखा था जब उन्होंने अपने आप को इनोसेंस प्रूव करने के लिए कि ही वॉज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन गन पाउडर प्लॉट और ये भी जो है कि रिचर्ड सेकेंड का में वो सीन और बेसिकली ये भी जो है एक कॉन्ट्रोवर्सी में मतलब ऐसा लगता है कि उनका कॉन्ट्रोवर्सीज़ का नाता था उसके बाद लेटर ईयर्स एंड कोलेबोरेशन नेवर द लेस एलिजाबेथ रेन वॉज ड्राॅइंग टू अ क्लोज एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ का जब शासन समाप्ति की ओर था और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद राजा बने थे किंग जेम्स सिक्स जो जेम्स फर्स्ट थे इंग्लैंड के और जो उन्होंने जब वो स्कॉटलैंड के राजा थे फिर इंग्लैंड के राजा जो है वो बने और उसके बाद 1605 में जब गनपाउडर प्लॉट हुआ था यानी कि जब जेम्स फर्स्ट को उड़ाने की साजिश रची गई थी विच शॉक्ड द नेशन शेक्सपियर्स वर्क रिफ्लेक्टेड द ग्रोइंग पॉलिटिकल टेंशन एंड अनईज शेक्सपियर के वर्क्स में भी ये टेंशन देखने को मिलती है किंग लियर एंड मकबत मैंने अभी आपको बताया मकबत उन्होंने जो लिखा था उन्होंने ही वॉन्टेड टू प्रूव हिज इनोसेंस दैट ही वॉज नॉट विद द कॉन्स्पिरेटर्स एंड ही वॉज रियली वॉज फेथफुल टू किंग ये वो दिखाना चाहते थे तो मकबे जो है वो इसी ग्रोइंग टेंशन को दिखाता हुआ प्ले है पैरोनिया पा, पा, पावर के लिए पागलपन मैडनेस दिखाता हुआ है उनके जो लेटर वर्क्स थे वो फेंटेस्टिकल और अदर वर्ल्डली थे जिन्हें रोमांसिस भी कहा जाता है कैलिबान और विंटर्स टेल ये सारे के सारे जो इनके उनके रोमेंसिस कहलाते हैं लेकिन शेक्सपियर के लेटर ईयर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उसमें ऐसा लगता है उनके वर्क्स को पढ़ के कि उन्होंने कोलेबरेट करा था और एक से ज़्यादा लोगों के साथ किया था जैसे कहा जाता है कि हेनरी एर्थ जो है उन्होंने फ्लैचर के साथ मिलकर लिखा है और केवल हेनरी एर्थ ही नहीं उन्होंने टू नोबल किंग्समैन भी हेनरी एर्थ के फ्लैचर के साथ मिलकर लिखा है

और जो एक साथ लिखते थे तो ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट नो बट नोज कि वो कौन कौन लोग थे मगर शेक्सपियर के वर्क्स को पढ़कर पता चलता है कि ही कोलेबरेटेड इन मेनी ऑफ हिज वर्क्स शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी 1616 सौ में और उनको स्टैटफोड अपॉन एवॉन में ही दफनाया गया अब एक बायोग्राफी के तौर पे देख लेते हैं उनका टाइमलाइन है ये 1564 शेक्सपियर जी का जन्म हुआ 26 अप्रैल को उनको इ करा गया तो 23 अप्रैल को मानते हैं होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉर्ड 1561 उन्होंने किंग्स न्यू स्कूल में पढ़ाई शुरू करी सात साल की उम्र में और 1582 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई एन हेथवे से और बाय लाइसेंस एट एन अनस्पेसिफाइड चर्च आउटसाइड स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन के बाहर जो है उनकी शादी हुई 1583 पहली बेटी का जन्म हुआ सुजैन 1585 शेक्सपियर के दो जुड़वा बच्चे हुए हैमलेट एंड जुडिथ 1585 से 1592 के पीरियड को लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है क्योंकि इस में शेक्सपियर जी ने क्या बहुत सारे काम करे और अपना जो लिटरेरी करियर था वो बना रहे थे 1587 क्वीन एलिजाबेथ ऑर्डर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कजन दैथलिक मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स जो लगातार क्वीन एलिजाबेथ के खिलाफ साजिशें रचती रहती थी और जो है जो uh, उनकी मृत्यु का आदेश उन्होंने दिया 1587, 1588 किंग फ़िलिप ये था डिफ़ीट ऑफ स्पेनिश हर्मेडा किंग फ़िलिप सेकेंड जो कि uh, जो क्वीन uh, एलिजाबेथ की बड़ी बहन मैरी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स नहीं उनकी अपनी जो बहन थी मैरी जिसे ब्लाडी मैरी कहा जाता है शी वॉज अ कैथलिक उनकी अपनी बहन के की मृत्यु के बाद उनके जो चीजा uh, जी थे ही वॉटेड टू गेट मैरिड टू क्वीन एलिजाबेथ मगर वो शादी करना नहीं चाहती थी जब तभी उन्होंने प्रपोज करा था तो उन्होंने धीरे धीरे और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस थे कि जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट्स हो रहे थे तो फ़िलिप सेकेंड जो स्पेन के उनके ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने एक, एक बहुत फ्लीट ऑफ शिप्स जो हैं वो भेजे थे और उसके अलावा वो जो है क्वीन मेरी के के मारे जाने से भी जो है वो गुस्से में थे इंग्लैंड जो है लेकिन उसमें जीत गया था और जो है इंग्लैंड के जीतने के बाद क्वीन एलिजाबेथ को एक रियल में एक मुनाक की उपाधि मतलब लोगों ने उनको रियल में एक मुनाक जो है वो माना था और उसके बाद ही गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुआ था 1591 हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड में हैव बीन 1591 में शायद उन्होंने हेनरी सिक्स का पार्ट सेकंड लिखा फिफ्टीन नाइनटी टू फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड परफॉर्मेंस ऑफ अर प्ले हेनरी पार्ट वन एट द रोज थिएटर फिफ्टीन नाइन्टी टू में रोज थिएटर में इसका परफॉर्मेंस uh, हुआ था फिफ्टीन नाइन्टी टू में फर्स्ट रेफरेंस टू शेक्सपियर एज अ प्ले राइट इन लंडन पंद्रह सौ बहानवे में शेक्सपियर जी को पहली बार किसी रेफरेंस मिला था एक यूनिवर्सिटी विट के द्वारा और ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में नाइन्टी फाइव से नाइनटी फाइव सिक्स लगता है कि इस समय उन्होंने रोमियो एंड जूलियट जो है वो लिखा था 96 सिक्स हेमनेट उनके बेटे शेक्सपियर के बेटे हेमनेट की मृत्यु हुई थी 1597 इसके बाद इन्होंने एक बहुत हाई प्लेस नाम का एक बहुत बड़ा घर जो है वो ख़रीदा था 1601 हंड्रेड वन ट्वेल्थ नाइट जो है वो इस समय ये माना जाता है कि ट्वेल्थ नाइट इस समय लिखा गया था सिक्सटीन हंड्रेड वन द पोटेंशियल ट्रेजनस परफॉर्मेंस ऑफ इधर रिचर्ड सेकेंड और हैंनरी फोर्थ और सिक्सटीन हंड्रेड वन में जब अर्ल ऑफ एसेक्स का रिबालियन हुआ था तो रिचर्ड सेकेंड या हेनरी फोर्थ जो है वो दिखाया गया था और सोलह सौ तीन क्वीन एलजबैथ की मृत्यु हुई एंड क्वीन क्वीन की मृत्यु के बाद जेम्स सिक्स जेम्स फर्स्ट स्कॉटलैंड के जो राजा थे वो इंग्लैंड के राजा बने वो भी प्रोटेस्टेंट थे 1605 में गन पाउडर प्लॉट जिसमें जो कैथलिक्स थे और जो पार्लियामेंट के लोग थे पार्लियामेंट जो किंग के अगेंस्ट थे उन्होंने मिलकर राजा को मारने की एक साजिश रची और जो है लेकिन ये साजिश जो है बेनकाब हो गई और इस साजिश में जो है इसके नवंबर फाइव जो है ये जो है एक गाय फॉक्स डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उसी उसी व्यक्ति को सबसे पहले पकड़ा गया था और उसके थ्रू सारे जितने भी कॉन्स्परेटर्स थे सबको पकड़ा गया था सोलह सौ से सोलह सौ लियर किंगलियर और मकबेत जो है वो इसी दौरान लिखे गए आप जानते हैं ये गन प्लॉट में अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए शेक्सपियर ने मकबैत जो है वो लिखा था लियर और मकबैत इसी दौरान लिखे गए हैं जो पैरोनिया और मैडनेस पार जो है वो दिखाते हैं सोलह वन ऑफ द मेन थिएटर्स एसोसिएटेड विद शेक्सपियर्स ट्रूप द ग्लोब सोलह में शेक्सपियर का जो थिएटर था 1599 में बनके तैयार हुआ सोलह सो में जल गया हेनरी एर्थ के मंचन के दौरान फिर दोबारा से खड़ा हुआ था और 1616 शेक्सपियर जी की मृत्यु हो गई स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉर्ड में शेक्सपियर जी ने अपनी मृत्यु के अपने पहले ही जो एक विल बनाई थी उसमें अपना सेकंड बेस्ट बेड अपनी वाइफ को दिया था और बाकी जो मोस्टली जो संपत्ति थी वो अपनी बेटी को जो है वो उन्होंने दी थी तो दैट्स ऑल फॉर टुडे ये था आज का हमारा शेक्सपियर जी के बारे में जो मैंने बताया और अब मैं धीरे धीरे करके शेक्सपियर जी के वर्क्स जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जितने Uh, जो है uh, मुझे लगता है कि जो आपको पसंद आएंगे वो वर्क्स मैं लेकर आपके सामने आऊँगी तो उनके पे क्वेश्चंस वगैरह भी उनसे आपसे पूछ के क्योंकि वो पूरा एक यूनिट दे रखी है ना शेक्सपियर्स वर्क्स मैंने कहा पहले इसे ही कवर करवा दो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच बाय